मेरा नाम है अतीक सुबहानी और आप देख रहे हैं सुबहानी की कहानी। अच्छा, ये तो एक चलो मजाक था, फजूल। में अपने अंदर इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी डालने की जरूरत नहीं है, तो मैं फिर शुरू करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। आज के दिन का हमारा मकसद है वो कोक लेना। छोटे छोटे जो कैंस होते हैं वो लेंगे। असल में इस ईद वाले दिन जो है एक फैमिली फंक्शन है छोटा सा, और उसके अंदर जो है कोक की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम जा रहे हैं किसी होलसेल मार्केट में, तो कैंस जो हैं वो देखेंगे कहाँ से थोड़े मुनासिब रेट में मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए हो मुनासिब रेट पे पेरिस के अंदर कैन, तो आप कहाँ से ले सकते हैं? अच्छा, ये एक होलसेलर है जो हर किस्म का, जो जूस, पेप्सी, कोक हो गया, सब कुछ, हर किस्म का ड्रिंक जो है वो होलसेल रेट पे बेचते हैं। एच प्रो इनका नाम है। ये जो पूरा पैक है ना, ये 11 यूरो का लगा हुआ है। इसमें 24 कैन है और कोक है, यानी ब्रांड है, तो इसलिए यानी कि ये अच्छा रेट मिल गया है। यहाँ से हम उठाते हैं मोजीतो। पेप्सी फंटा जो है ये तकरीबन 40 सेंटी महंगा है। ये ले लेते हैं फंटा, 24 पीस ये भी हो जाएंगे। और पेप्सी जो है वो हम वापस कर देते हैं, इसकी जगह पे हम ले लेते हैं ये वाला कोका जीरो। हो गया हमारा कोक। पानी, पानी का एक पैकेट, ये भी 24 बोतलें। एक ये तकरीबन 50 यूरो का ये सब माल आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा महंगा था, लेकिन दूर जाने से बेहतर है कि करीब से ले लिया जाए। पेट्रोल जलाना इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो जितना कम पेट्रोल जलाएंगे, कितना कम डीजल जलेगा, उतनी गर्मी कम होगी। तकरीबन 3-4 यूरो महंगा है यहाँ पे। कौन सा? एच प्रो। ये एच प्रो है नेशनल के पास ही, ऑटोमेटिक कार वॉश पे मैं आया हूँ। इधर तकरीबन 8 यूरो का ये कार वॉश है। यहाँ पे पाकिस्तान में 250 रुपये लेते हैं कार वॉश करने के, और यहाँ पे तकरीबन 8 यूरो लगते हैं। और अगर जैसे पाकिस्तान में कार वॉश की जाती है ना, उस तरह से अगर कार वॉश करवाई जाए ना, तो तकरीबन 30 यूरो लेते हैं इधर, तो जो पाकिस्तान में तकरीबन 400 से 500 रुपये में हो जाती है। पे पानी इसको लगाएंगे घास को। ये घास देख के आपको पता चल रहा होगा कि क्या हालत हो गई है इस धूप में, और इसका हमने ख्याल नहीं किया तो ये जल गई है बिल्कुल, और ऐसे लग रहा है जैसे ये जंगल बन गया ये। तो इसी तरह ये, अगर आप किसी चीज़ का ख्याल ना करें, उसका तरबियत ना करें उसकी, तो वो चीज़ जंगली बन जाती है। ऐसे बच्चों का हिसाब है, अगर आप बच्चों की तरबियत नहीं करेंगे वो भी जंगली बन जाएंगे। जैसे ये हमारा जो गार्डन है वो बिल्कुल एक जंगल का सा समा दे रहा है, बल्कि जंगल भी नहीं है, सहरा लग गया, ये सहरा बन गया, डेजर्ट बन गया। तो लगाएंगे पानी, ऐसे पानी जब इसको मैक्सिमम लगेगा तो शायद फिर थोड़ी बहुत फ्रेशनेस आ जाए इसके अंदर। अभी मैं चाय बनाने लगा था और मेरी चाय आधी अभी बनी थी और गैस ख़त्म हो गई है, तो मेरे पास जो चूल्हा है वो असल में गैस वाला है, तो ये इसका ख़त्म हो गया बेसिकली गैस, तो इसको मैंने चेंज करवाना है। तो चेंज करवाने के लिए ये उतारना पड़ेगा, और ये उतारने के लिए मुझे 2 हाथ चाहिए, और मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, तो उसके लिए मुझे मोबाइल को रखना पड़ेगा पहले। बिल्कुल खाली है ये, देखें, इसको ले जाते हैं। यहाँ
अगर सिलेंडर ख़त्म हो जाए तो आपको गैस सिलेंडर या तो अलमंतासियों यानी जनरल स्टोर की शॉप से मिलता है या फिर गैस स्टेशन से। तो गैस स्टेशन साथ ही है एक घर के, देख लेते हैं उधर से, अगर मिल जाता है तो उधर से ले लेते हैं, चेक करते हैं। गैस की बोतल ले ली है, सिलेंडर गैस का काफ़ी वजन है इसका। इसको लगाते हैं इधर और चलते हैं घर और पीते हैं चाय। अच्छा, मेरी जो चाय अधूरी रह गई थी उसको मैंने मुकम्मल किया और अब मैं चाय पी रहा हूँ। मैं इस व्लॉग को इधर ही ख़त्म करता हूँ, लेकिन इससे आगे वाला जो व्लॉग है वो इससे ज़्यादा यानी कि मज़ेदार व्लॉग होगा, इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हमारा एक फैमिली प्रोग्राम है बीच पे जाने का, नॉर्थ साइड पे, फ्रांस के नॉर्थ पे। उसका नाम मुझे अभी ध्यान में नहीं है, पता नहीं क्या नाम है उसका। वहाँ पे जाएंगे और यानी कि वो व्लॉग भी नेक्स्ट आने वाला इंटरेस्टिंग व्लॉग होगा, तो देखते रहें। फिर इंशाल्लाह किसी उसी व्लॉग में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।